Oh, this is new, this is new. सर, यही वजह है कि पाकिस्तान इस मामले में पूरी दुनिया में बदनाम है। गल ओही है ना कि जेकर तुसी मसाला दोगे तो तुहानू वधिया चीजां मिलणगियां, व्यूज आउणगे, पर जेकर तुसी सच्ची गल करोगे ना। और मोहब्बत की हुंदी चलिया जीनू जी हुंदी। दुनिया दा सब तो खतरनाक देश तुहानू पता केड़ा? मैं उस देश ते बहुत टाइम तो वीडियोज बना रहा, पाकिस्तान। अज पाकिस्तान की जो असली सिचुएशन है जा जो उदा असली चेहरा है वो मैं थोड़े सामने रखना। मैं बड़े टाइम तो रिएक्शन कर रहा, 6-7 साल तो मैं बहुत प्यार करता पाकिस्तानियों को, बट आज जो चीज़ थोड़ा मैं दिखाने लगा ना वो बहुत शॉकिंग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा मैं थोड़े तो सामने अज लैके आ रहा। बिना किसी तो वीडियो देखा, फिर वीडियो के बाद ही गल कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं जो कभी भारत का अंग था। आज का वीडियो इमोशनल हो सकता है, क्योंकि इस देश के लोग कभी हमारे भाई हुआ करते थे। साथ में मिलकर हमने अंग्रेजों से आजादी पाई, लेकिन किसी की नजर दोनों भाइयों पे पड़ गई कि उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। आज हम बात उस देश की करेंगे जहां पर कभी एक ही चूल्हे में सबके लिए खाना बनता था, लेकिन आज न तो दोस्ती का वो चूल्हा रहा और न ही गर्मजोशी की वो आग रहे। आज बात उस वीडियो दी इंट्रो देके थोनू कुछ लग गया होना कि आज कुछ धमाल होएगी। धमाल जरूर होएगी, लेकिन इन द पॉजिटिव वे। ठीक है, वीडियो पूरी देख के बैठना। देश की करेंगे जो कभी हमारा भाई हुआ करता था, एक ही माँ के संतान थे, लेकिन आज उनके दिलों में हमारे प्रति इतनी नफरत है कि उसे शांत करने के लिए दुनिया के तमाम सागर कम पड़ जाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ तबाह हो गया। दो भाई हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। चाहे आप हिंदुस्तान से इस वीडियो को देख रहे हो या पाकिस्तान से, दिल पे हाथ रख के कहना कि अगर भारत में कुछ बुरा होता है तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते क्या? चलिए दोस्तों, नफरत की दीवार तोड़ने की और दुनिया को दिखाने की कि दो भाइयों को अलग किया जा सकता है, लेकिन भाइयों के मन कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस देश का ऑफिशियल नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ की कुल आबादी 22 करोड़ के आसपास है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो पाकिस्तान में 287 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिलते हैं। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान एक जवान देश है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र है 22 साल। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का वो इस्लामिक स्टेट है जो सबसे पहले न्यूक्लियर पावर बनाने वाला देश बना? 11 से 13 मई के बीच साल 1998 में पाकिस्तान ने पहली बार न्यूक्लियर पावर का टेस्ट किया। आज भी पाकिस्तान इस न्यूक्लियर पावर के दम पे बहुत सारे काम कर रहा है। दोस्तों, दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन गांव का खाना आपको खाना है तो आपको एक बार पाकिस्तान की यात्रा पे जरूर जाना चाहिए। यकीन मानिए, यहाँ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। आज भी आपको अगर सबसे प्योर दूध और दही का कहीं स्वाद मिलेगा तो पाकिस्तान में ही मिलेगा। यहाँ के गाँव में लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी सबसे ज्यादा पकाते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको लगता हो कि पाकिस्तान है तो यहाँ पे शायद कोई हिंदू फैमिलीज ना हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस देश में हिंदुओं की थोड़ी बहुत जनसंख्या है। वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे कम हो रही है अलग अलग कारणों से, लेकिन कुछ हिंदू फैमिलीज आज भी इस देश में हैं। पाकिस्तान में आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान में आपको कीर्तन करते लोग भी दिख जाएंगे। यहाँ चर्च भी है। इस देश में दिवाली भी मनाई जाती है और क्रिसमस भी। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का वो कौन सा हिंदू खिलाड़ी है जिसने इस देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया? ये है अनिल दलपत। ये विकेट कीपर बल्लेबाज थे। उसके बाद दानिश कनेरिया के बारे में भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे अच्छे लेग स्पिनर। ये भी हिंदू फैमिली से ही आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। दोस्तों, क्या आपने हुंजा वैली का नाम सुना है? ये पाकिस्तान में ही है। आपको बता दूं कि दुनिया के कुछ लोग जो सबसे ज्यादा सालों तक जिंदा रहे हैं वो इसी प्रांत से आते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सब स्विट्जरलैंड का नाम लेते हैं, लेकिन हुंजा वैली भी किसी से कम नहीं है। ये हद से ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोग जिस तरह से जीते हैं वो काबिलो तारीफ है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नेचर का दिया हुआ है और लोग भी सब नेचुरल चीजें ही खाते हैं। दोस्तों, वो बात अलग है कि इस देश में फुटबॉल दूर दूर तक नहीं खेला जाता है। कोई हीरो भी नहीं है फुटबॉल में। फुटबॉल खेडिया नहीं जाता, लेकिन फुटबॉल पे जिया जरूर जाता है इस देश में। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल बनाने का काम इसी देश में होता है। सियालकोट का नाम आपने सुना होगा। यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों में फुटबॉल बनाकर भेजते हैं। यहाँ पर आज भी फुटबॉल को हाथों से सिला जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इस हाईवे का नाम है द काराकोरम हाईवे। ये बहुत ही खूबसूरत हाईवे है और यहाँ पर गाड़ी चलाने का अपना अलग ही मजा है। कहते हैं कि यहाँ के युवा छुट्टियों में इसी रोड पे मस्ती मारने निकल जाते हैं।
क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा सजी हुई बस और ट्रक भी आपको यहीं देखने को मिलती है? Yes. जी हाँ, पाकिस्तान की एक खासियत है, यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत बसें देखेंगी जिन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यहाँ ट्रक्स को देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये काफी अलग हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे सजाया जाता है मानो आज ही ट्रक की शादी हो। इससे ये दिखता है कि यहाँ के लोगों को रंगों से कितना प्यार है। जब बात प्यार की हो रही है तो आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा प्यार है रोमांटिक वेबसाइट्स देखने से। क्या ही कहा जाए, युवा देश है और युवा थोड़े भटक गए, यही वजह है कि पाकिस्तान इस मामले में पूरी दुनिया में बदनाम है। ए, मेरे ख्याल ने रोमांटिक नहीं कहना सी पुराने, उसे थां ते कुछ होर कहना सी, बस वो बड़े तिले आनी ने तो ही समझ गए, छेड़े छेड़े समझ गए, लाइक कर लियो। कहते हैं कि यहाँ पर बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्मों की हीरोइनों को ज्यादा पसंद किया जाता है। ड्रामा स्टेज ड्रामा। तो आजकल पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड चाइना बना हुआ है। हाँ, वही चीन जो कि अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, वो है पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन जानते हैं कि ये सिर्फ बात दोस्ती की नहीं है, ये बात है चीन के शातिर सोच के। आज के दिन में पाकिस्तान की गरीबी का ऐसा मजाक बना रखा है चीन ने कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही चीन का गुलाम बनकर रह गया है। चीन के कर्ज तले पाकिस्तान इतना दब चुका है कि अब ये चाह कर भी उठ नहीं सकता। पाकिस्तान के सीरियसली लोग बड़े भोले भाले भी होते हैं। कैसे, हम बताते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले की ही घटना है, चीन से फैली बीमारी पाकिस्तान में भी आ गई थी। अब यहाँ के लोगों को मास्क की जरूरत पड़ी तो इन्होंने ऑर्डर दिया चीन को मास्क बनाने के लिए। जानते हैं चीन ने क्या किया? इन्होंने पाकिस्तानी लोगों के लिए यूज किए हुए कच्चे और अंडरगार्मेंट्स का मास्क बनाकर पाकिस्तान को बेच दिया। क्या करे, चीन है ही ऐसा धोखेबाज। What? देखो भी, चाइना मेड जी चीजें है ना, उन्होंने कोई गारंटी नहीं होंगी। ठीक है, जिते मेड इन चाइना लिखा होंगे ना, वह पता नहीं होंगे कि एक दिन चलनी है कि दो दिन चलनी है। चल जाए तो सारी उम्र भी चली जाओ, चल लेना तो भी घरे लिया के तुम ऑन ही करनी है तो वो पटाखा पै जाए। ऐसे धोखेबाज देश के साथ दोस्ती करता है पाकिस्तान, अब जाहिर सी बात है फिर ये सब होना तो तय है ना। क्या आपको पता है कि वो दुनिया का पहला गेंदबाज कौन सा है जिसने वनडे और टेस्ट मैचेस दोनों में ही 400 विकेट हासिल किए हो? जी हाँ, ये पाकिस्तानी लेजेंड है जिनका नाम है वसीम अकरम। क्या कमाल के बॉलर थे वो, आज भी अपनी बॉलिंग स्किल्स पाकिस्तान के गेंदबाजों को सिखाते हैं। क्या आपको पता है कि इस देश के नाम का मतलब क्या है? बता दें कि पर्शियन और उर्दू में पाकिस्तान का मतलब होता है वैसा स्थान जहाँ की जमीन पवित्र हो। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान की जमीन पवित्र है? थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस देश में जो कि सीधे साधे पाकिस्तानियों को गलत राह में ले जाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो यहाँ के लोगों के मन में बट जेड़े लोग इदां दे है वो डिसाइड नहीं करनगे किसी कंट्री की डेफिनेशन। पाकिस्तान एहो जी कंट्री है जिते गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी दे 18 साल गुजारे, तो वह सिखा दे लिए बहुत पवित्र धरती है। पाकिस्तान नूं असीं हमेशा पवित्र धरती मनते हैं, तो जिहड़ा उहदा नाम है पाकिस्तान उहदे ते उह बिल्कुल खरा उतरदा है। ठीक है, जेकर तुसीं हिंदूज की गल करो तो हिंदू मंदिर भी उत्थे पुराने पुराने बहुत ने। जेकर तुसीं हिंदू घाटी की सभ्यता की गल करो, मोहन जोदड़े की गल करो, होर भी इदा दियाँ जिहड़ियां अपनियां पुरानियां सप्त सिंधू घाटी की सभ्यता। ठीक है, जेकर तुसीं इन्हां की गल करो तो आपां सारे ही उत्थों निकले हैं, जो ये वजूद आया ना अज अपना, आपां उधरों ही हैं सारे। सो वो रूट्स उत्थे ही है, तुसीं उस चीज़ नूं पवित्र ना कहो ये तां भी फिर थोड़े च कमी है। ठीक है, हो सकता कई भगतां नूं ये गल माड़ी लगे। देखो भी, भगतां दा इस चैनल ते कोई काम ही नहीं गा, तुहानूं पता ही है अंध भगत इस चैनल ते नहीं है। जेकर कोई माड़ा मोटा आ भी जाता है वो आपदे दिल की भड़ास कढ के कमेंटां च चला जाता, फिर दोबारा नहीं आता। तो मैं चाहता भी नहीं दोबारा होवे, क्योंकि मैनूं है कि भाई मेरे चैनल पर जिनी भी ऑडियंस है वो जैनुअन होवे ते वो नफरत फैलाउण वाली ना होवे, चाहे वह जिहड़े मर्जी धर्म तो आ, वो प्यार करन वाली होवे। यह नहीं कि जो तुसीं सोशल मीडिया देखते हो ही सच आ। देखो, कितना कितने अग जरूर उठती है, मैं ये नहीं कहूँगा, पर वो सारे कितने होंगी है, उदे करके तुसीं ये नहीं कह सकते कि सारा देश ही बुरा, सारे लोग ही बुरे है। आ हुण पिछे जे चलिया आल आईज़ ऑन रफा है ना, साढ़े इधरले सैलीब्रिटीज़ बड़ा उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं, बट जेडे अंध भगत आ वह सैलीब्रिटीज़ नूं क्रिटिसाइज़ करन दे लई पाकिस्तान का नाम वरत रहे। अगे जी, आल आईज़ ऑन हिंदूज़ इन पाकिस्तान, कहिंदे एक बंदे दी, मैं हुणे वीडियो देख रहा सी इस तों पहलां, हुण मैनूं तां पता नहीं उह सच है कि झूठ है, पर सच तो लगन नहीं दिया क्योंकि जी उन्हें गल की है। कहता ऑन एवरेज हर रोज़ 3 कुड़ियां का रेप होंदा पाकिस्तान दे विच, हिंदू कुड़ियां का। उस रेप तो बाद जां तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया जाता, जां उन्होंने मार दिता जाता। मतलब एडा वड्डा क्लेम करता वो बंदे ने बिना सोचे समझे, मतलब हर रोज़ 3 कुड़ियां। ठीक है,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਧ ਭਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਫਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਓ ਆਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ जो नफरत की राजनीति करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के दो नागरिकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। यह है मलाला यूसुफ जाई जिन्हें साल 2014 में यह अवार्ड मिला था और दूसरे हैं अब्दुस सलाम जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था साल 1979 में। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम भी पाकिस्तान में ही है। यह हुंजा वैली पे लगाया गया है। इसकी ऊंचाई है 16,007 फीट। ये पाकिस्तान के नेशनल बैंक का एटीएम है। दोस्तों पाकिस्तान में ही आपको दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक देखने को मिलती है जिसका नाम है मेहरगढ़। कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन 6000 बीसी पुरानी है। आज भी यहाँ इनके अवशेष देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हालत इस समय ठीक नहीं है। यहाँ पर कई तरह के गैंग्स एक्टिव हैं जो कि यहाँ की सरकार के नीचे काम करते हैं। यही वजह है कि इस देश को सबसे खतरनाक देशों की सूची में 8वें पायदान पर रखा गया है जो इस देश के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं तो आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस देश के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इन्हें भी खूब नुकसान उठाना पड़ा है। जानते हैं कैसे? पाकिस्तान में कोई भी बाहर से टूरिस्ट नहीं आना चाहता जबकि यहाँ कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कहीं और देखने को शायद न मिले। अच्छा वीडियो पुरानी है, हो सकता है उस टाइम दी सिचुएशन दस रहे होण, बट देखो जो सब कुछ दिखता है तुहानू सोशल मीडिया ते असल दे विच उह हुंदा नहीं। ठीक है, मैं इत्थे कोई बाली ओ साइड नहीं लै रहा, मैं वो गल कर रहा जिहड़ी सच है, जिहड़ी जेन्युइन है, क्योंकि मैनू पाकिस्तान के लोगों के मैसेजेस रिसीव हुंदे आ यूट्यूब ते फेसबुक ते इंस्टा ते, सो मैं डेली वो पढ़दा, वो दसदे आ कि उहनां दा पाकिस्तान किहो जिहा वो जड़ा आप सोशल मीडिया से देखते हैं वो व्यूज दी गेम है। यहाँ के कुछ संगठनों ने इस देश का माहौल इतना खराब, हाँ ये कोई दो रहे नहीं सच है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कई एक्टिव है ये मानते हैं, पर वो इधर भी एक्टिव है, ये नहीं कि इधर नहीं है, इधर थोड़ी खुफिया है उधर सामने आ गया। वो पाकिस्तान तो खुद शिकार है उन्होंने, तुम याद होना दसंबर के 2011 च या कदों जो पेशावर के स्कूल अटैक होया किन्ने बच्चों की जाना गई सी, वो पाकिस्तानी बच्चे ही सी, वो खुद थोड़ा चाहणगे कि साडे ते अटैक करो, वो खुद परेशान है यार टेररिस्ट तो रखा है कि पूछे ही मत। इसी वजह से आज के दिन यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते। दोस्तों पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, यहाँ पर हर जगह उर्दू ही यूज करते हैं। बता दें इसी उर्दू की वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए जिसकी वजह से बांग्लादेश आज एक अलग देश है। ये बात 1971 की है। बांग्लादेश को उस समय ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और वहाँ के लोगों को इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा था कि आप भी उर्दू अपना लो, लेकिन वहाँ की जनता बांग्ला को अपना भाषा मानती थी। इसी मुद्दे पर ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई हो गई वेस्ट पाकिस्तान से और बाद में हिंदुस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद की और वेस्ट पाकिस्तान ने कुछ ही समय बाद भारत के सामने घुटने टेक दिए। आप समझिए कि एक भाषा की वजह से देश बदल गया। दोस्तों पाकिस्तानी महिलाओं को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और सबसे अच्छी बात यह कि इनका नेचर भी बहुत अच्छा होता है। हालांकि इन्हें यहाँ बहुत ज्यादा आजादी नहीं मिलती और आज भी अपने अधिकारों के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो अच्छे खासे लेवल पे बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की कुड़ियों को कितने स्ट्रगल करना पै रहा है, तो एक इस्लामिक कंट्री के विच एक मुसलमान कुड़ी को कितने स्ट्रगल करना पै रहा है, किस चीज में स्ट्रगल करना पै रहा है, इंटरनेट के बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेट ब्रॉडबैंड सिस्टम है, लोगों के लिए इंटरनेट लाइफलाइन है क्योंकि भाई इन्हें टाइम पास करने के लिए मोबाइल पूरे टाइम चाहिए होता है। दोस्तों पाकिस्तान में इतना नॉनवेज खाया जाता है कि अगर आप नॉनवेज ईटर हैं तो आप अपना वजन यहाँ से बढ़ा के ही वापस आएंगे। लाहौर की बात की जाए या कराची की, यहाँ पे जम के नॉनवेज खाया जाता है। यहाँ के मार्केट्स में एक से बढ़कर एक स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाता है। पाकिस्तान के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं गानों के मामले में, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी कमाल का गाते हैं। कई बड़े बड़े सिंगर्स को तो आपने बॉलीवुड में गाते हुए सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोकल सिंगर्स भी कमाल का गाते हैं
जिनका टैलेंट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इस देश में पाकिस्तानी रुपया करेंसी के तौर पर चलता है और यहाँ का एक रुपया इंडिया के 50 पैसे के बराबर है। मतलब पाकिस्तान में आप इंडियन रुपए के साथ अमीर हो सकते हैं। तभी तो जो कोई लोग बाहर से पाकिस्तान आ 50 पैसे भाई, ये वीडियो कितनी पुरानी है यार, इधर 1 रुपया उधर 30 पैसे है। उन्हें लगता है कि ये कितना सस्ता देश है। दोस्तों, छोलों का उत्पादन करने में पाकिस्तान भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। साथ ही विश्व का पहला पीसी वायरस 2 पाकिस्तानी भाइयों ने मिलकर बनाया था। मतलब कमाल का काम करते हैं पाकिस्तान के लोग भी। बाकी आपकी क्या राय है इस देश को लेकर, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषाओं में फिल्में बनती हैं। हालांकि लॉलीवुड का लेवल बहुत छोटा है, इसलिए ज्यादातर पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में काम करने को लालायित रहते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बॉलीवुड एक्टर्स बहुत पॉपुलर हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सलमान खान की फैन फॉलोइंग हद से ज्यादा है। साथ ही इस देश में इमरान हाशमी के चाहने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि उनके गाने बहुत हिट होते हैं पाकिस्तान में। दोस्तों, हर साल पाकिस्तान एक चीज से परेशान रहता है और वह है बाढ़ की आपदा। जी हाँ, जैसे हमारे देश के कई स्टेट्स बाढ़ की समस्या से जूझते रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये देखो जी कुदरत नाल छेड़छाड़ करांगे तो उदा खामियाजा आपां ही भुगतना, उदा खामियाजा भुगतने वास्ते तुहाडा गुआंढी देश नहीं आऊगा। ठीक है, जेकर इंडिया जां पाकिस्तान जां एशिया कुदरत नाल खिलवाड़ करांगे तो होना ही है। दुबई दा पिछे की होया, आर्टिफिशियल रेन करवाई सी, उदा की पंगा पिया। देखो, कुदरत ने वापस मोड़नी है चीज़ां भी, वो चाहे तुसी किसे दा चंगा कर लो, ठीक है, वो पॉजिटिव वाइब्स के जरिए थानू वापस आएगा, जां थोड़े टाइम बाद तुहाडे नाल कुदरत ने उस हिसाब बराबर करना, चाहे तुसी किसे दा माड़ा कर लो, वो इत्थे ही हो जाना। ये मेरी सोच है, ये एक सिख की सोच है, सिखिज़म का सिद्धांत है प्रेजेंट में जीना। ठीक है, तो वो जी गलबात मैं तुम्हें दस रहा, लैट्स टॉक अबाउट द वीडियो। वीडियो वधिया सी, बंदे ने बहुत सोहनी कोशिश की है। एट द सेम टाइम उन्होंने पाकिस्तान दे विच जो चंगियां चीज़ां वो तो दिखाई ही हैं, बट सेम द टाइम जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, वो भी दिखाने की कोशिश की है। पर वो दिक्कतें जिहड़ियां वो हर एक देश दे विच हुंदियां, वो सिर्फ पाकिस्तान दे विच ही नहीं। देखो, टैररिस्ट कितें भी हो सकता है, टैररिस्ट का कोई धर्म नहीं हुंदा, टैररिस्ट दे मत्थे ते नहीं लिखा हुंदा कि वो धर्मी बंदा है। वो धर्म की आड़ दे विच आपदे काम जरूर करते हैं, बट उन्हूं आपां कह नहीं सकते कि वो पक्का धर्मी है। ठीक है, सो अज की वीडियो काफ़ी घेंट सी, मज़ा आया मैं देख के। तुम्हें कितने कितने कमेंट करके मैं जरूर दस्यो। तो तुम हाँ, एक कुड़ियों की स्ट्रगल वाली गल भी मेरे तो समझ तो नहीं बाहर है, मेरी समझ तो मैं कमेंट करके दस्यो कि कहना चाह रहे थे इस वीडियो जिन्होंने बनाया कि कुड़ियाँ कितने स्ट्रगल कर रही हैं। ठीक है, सो कमेंट डाउन बिलो, बाकी इंजॉय करो, हमेशा एक दूजे नाल खुश रहो यार। मतलब देखो, लड़ाई झगड़े च कुछ नहीं पिया, इन्ने सालों तो लड़ मर के कुछ मिले, कख नहीं मिले। ये मैं इस गल नूं तां कह रहा क्योंकि कल इंडिया दे विच ही नहीं, पाकिस्तान दे विच भी बहुत सारे लोग है जिहड़े इंडियनज़ नूं पसंद नहीं करते। हालांकि वह होणगे भला खूह दे डड्डू ही, वह चाहे उधरले चाहे इधरले है, उन्हां नूं ये पता नहीं दुनियादारी विच की हो रहा है, पूरी दुनिया दे विच दुनिया कित्थे पहुँच गई ते आपां कित्थे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, वो उस मैट्रिक्स दे विच फसे हुए है। पर शायद देखो, कुछ भी हो सकता यार, चलो उधर नूं नहीं जाते, दिमाग च बहुत गल्लां करन नूं बट नहीं करांगे। जेकर वो जिहड़ियां गल्लां मैं शुरू करन लगा सी, वो पॉडकास्ट तुसीं देखना चाहुंदे हो, सनमीत सिंह चैनल दे पॉडकास्ट है, साइंस ते स्पेस नाल रिलेटेड। आ जिहड़ी मैं मैट्रिक्स की गल की है, इहदे ते भी जल्दी एक पॉडकास्ट पावांगे आपां, जिहदे विच डिटेल विच गल्लां बातां होणगियां। सो जेकर तुसीं चैक करना चाहुंदे हो चैनल, तो जाके वो भी देख लियो। मिलते हैं अगली वीडियो च, मैनूं दिओ इजाजत, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर जरूर करना ना भूल।